हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग जो होता है उसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं या ट्रांसमिट होती हैं वो हमने देखा है, और उसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। जैसे मीडियम हो गया, तो मीडियम जो है वो दो टाइप का, रेयरर एंड डेंसर मीडियम जो है उसकी इफेक्टिवनेस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जब स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक स्ट्रिंग कोई थिन है और दूसरी कोई स्ट्रिंग जो है वो फैटी है, तो वहाँ पर किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और जो एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिट वेव का, रिफ्लेक्टेड वेव का और रिफ्रैक्टेड वेव का, वो एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स। चलिए नेक्स्ट, जो अपने पास कंडीशन है जिस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स डिपेंड करता है वो है आपके पास बाउंड्री कंडीशंस। तो सेकंड जो आपके पास इफेक्टिंग टर्म है वो है बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस का मीनिंग क्या हो गया? बाउंड्री कंडीशंस का मीनिंग ये है कि जो वेव इंसिडेंस वेव है वो जहाँ पर, जिस बाउंड्री पर, दोनों मीडियम की जो बाउंड्री होती है उस मीडियम की बाउंड्री पर भी डिपेंड करता है। बाउंड्री पर कैसे डिपेंड करेगा कि अगर हम एक वेव पल्स को एज्यूम करके चले, तो फर्स्ट जो है वो मैं दो केस बना लेता हूँ इसके अंदर, उन दोनों केसों के बेसिस पर हम देखते हैं। अगर हम फर्स्ट बात बोल दें कि जो बाउंड्री है वहाँ पर रिजिड एंड है, जो बाउंड्री है वहाँ पर रिजिड एंड है, और ये हम मेनली जो देखते हैं वो देखते हैं ट्रांसवर्स वेव के लिए। बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो, अगर रिजिड एंड की बात करें तो रिजिड एंड पर किस तरीके से डिपेंड करेगी, और अगर सेकंड आपके पास है फ्री एंड, जो बाउंड्री कंडीशन है वो फ्री एंड की तरह बिहेव करे, तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर वैल्यू चेंज होती रहेंगी। तो अगर रिजिड एंड की बात करें तो हम एक वेव पल्स लेते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये एक बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है, और इससे एक स्ट्रिंग अटैच है जिसके अंदर एक वेव पल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रखी है, एक वेव पल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रखी है, और इस वेव पल्स का प्रोपेगेशन हो रहा है। ये वाला जो पॉइंट है उसे मैं बोल सकता हूँ क्रेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस स्ट्रिंग को अटैच कर देता हूँ, यानी रिजिड एंड बना देता हूँ, अटैच कर दिया यानी ये मूवेबल यहाँ से नहीं है। अब फ्री एंड के अंदर हम क्या करते हैं कि वही आपके पास बाउंड्री है यहाँ पर, वैसी ही आपके पास एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग के अंदर सेम उसी तरीके से एक वेव पल्स प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर वो जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से अटैच है कि ये जो स्ट्रिंग है वो अप एंड डाउन मूव कर सकती है। यहाँ पर बाउंड्री मूव नहीं कर रही है, कौन मूव कर सकती है यहाँ पर? स्ट्रिंग। यानी आपने एक रिंग के इस स्ट्रिंग को अटैच करके इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर वो जो पॉइंट है उसे भी हम क्या बोले जाएंगे? क्रेस्ट बोले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब रिजिड एंड से कोई वेव पल्स जो है वो इंसिडेंस होती है रिजिड एंड पर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जब इंसिडेंस वेव इस फिक्स्ड पॉइंट पर पहुंचती है तो इस फिक्स्ड पॉइंट पर वो अपवर्ड पुल करती है,
जो स्ट्रिंग है वो इस वाले पॉइंट पर अपवर्ड पुल करती है, यानी जब ये वेव पल्स जो है वो वेव पल्स इस तरीके से आगे की ओर आता जाएगा, तो ये यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर एक फोर्स जो है वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अलोंग, यानी जो स्ट्रिंग है वो इस बाउंड्री के इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। अब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है कि एवरी फोर्स हैव इक्वल एंड एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या करता है कि एक अपोजिट और इक्वल फोर्स जो है वो अप्लाई करता है किस पर है? स्ट्रिंग पर। पहले स्ट्रिंग ने इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट देखूंगा तो एक तो हो जाएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो जाएगा वर्टिकल। अगर मैं इस सिचुएशन को बना लूँ वापस से डायग्राम के अंदर, तो मैं बोलूँगा कि जब वेव पल्स जो है वो वेव पल्स यहाँ पर आएगा, जो वेव पल्स है वो जब इस रिजिड पॉइंट पर आएगा तो रिजिड पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक तो हो गया एफ अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा इक्वल फोर्स लगेगा एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, कि कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी की क्वांटिटी में इक्वल फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो स्ट्रिंग पर लग रहा है, और इसकी वजह से जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग जो है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी कि पहले तो जो है वो वेव पल्स अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर था, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर था, अब जब इसी स्ट्रिंग पर ये रिजिड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो यही जो स्ट्रिंग है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, वो इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर वापिस चली जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है ट्रफ, और ये वाला जो एंड है वो एंड होगा आपके पास रिजिड एंड। अब जो वेव है ये आपके पास आप लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड वेव। यहाँ पर हम इंसिडेंस वेव की बात कर रहे हैं, इंसिडेंस वेव इस तरीके से आ रही थी, तो जब रिजिड एंड होता है तो वेव का, इंसिडेंस वेव का क्रिस्ट जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? ट्रफ के अंदर चेंज हो जाता है। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि रिजल्ट जो इसका बनेगा, मैं वो ये लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, क्रिस्ट जो है वो किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है ट्रफ के अंदर, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम ये बोलें कि फेज डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, फेज डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी दोनों के बीच में। तो पहले जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर था, अब हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो जो फेज चेंज है वो फेज चेंज कितना हो गया, पाई या 180 डिग्री का फेज चेंज हो गया पार्टिकल्स का। अगर हम बात करें टाइम चेंज कितना हो गया, तो अगर टाइम डिफरेंस देखें हम दोनों के बीच में, तो टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस के अंदर आपके पास रिलेशन होता है, तो उसी से हम लोग अगर टाइम डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टाइम डिफरेंस कितना बन जाएगा आपके पास है? प्रीवियस का जस्ट हाफ टी बाई टू। अगर हम बात करें पाथ चेंज की या पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, आपके पास फेज डिफरेंस है पाई, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में हमने रिलेशन लिख रखा है, क्या होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास λ/2।
तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिजिड एंड से जब किसी वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसके अंदर पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, टाइम डिफरेंस टी बाई टू और पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू प्रोड्यूस हो जाता है। और जो क्रेस्ट है इंसिडेंस वेव का, वो रिफ्लेक्टेड वेव के अंदर किस में चेंज हो जाएगा, ट्रफ के अंदर चेंज हो जाएगा। जब हम फ्री एंड की बात करें तो फ्री एंड के अंदर देखो क्या होगा कि ये आपके पास फ्री एंड है और इंसिडेंस वेव जो है वो यहाँ पर आ रही है। तो जब इंसिडेंस वेव आते हुए जब उसका वेव पल्स यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पर जो है अब आपके पास रिजिड एंड नहीं है, रिजिड एंड नहीं है तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है वो इस एंड पर जो फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में एफ, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाने पर ये जो रिंग है वो इस बाउंड्री लाइन पर अपवर्ड डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर लेगी। और जब ये जो वेव पल्स है वो यहाँ से दूर चला जाएगा तो ये वापस से किधर आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। अब यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो इस बाउंड्री पर नहीं लग रहा है, अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस रिंग पर, और इसकी वजह से ये रिंग अप एंड डाउन मूव कर रही है। तो इसके अंदर तो देखिए कि रिजिड सपोर्ट होने की वजह से जो फोर्स स्ट्रिंग इस एंड पर अप्लाई कर रही थी वो इस बाउंड्री पर भी अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स ये स्ट्रिंग अप्लाई कर रही है वो फोर्स केवल और केवल इस रिंग पर ही अप्लाई हो रहा है, बाउंड्री तक नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एंड है वो फ्री एंड है, ये इस बाउंड्री के साथ टच में नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम बोलेंगे कि एफ फोर्स लग रहा है उसकी वजह से रिंग अप एंड डाउन मोशन करेगी, लेकिन यहाँ के बाद में जब रिफ्लेक्शन होगा वेव का, तो वेव का रिफ्लेक्शन होगा तो वापिस ये जो है वेव वो सेम उसी तरीके से लौट जाएगी जिस तरीके से वो आई थी, सेम उसी तरीके से वापस चली जाएगी जिस तरीके से वो यहाँ पर आई थी। तो हम बोलेंगे कि क्रेस्ट जो है वो वापस से किस में चेंज हो गया, क्रेस्ट के अंदर ही चेंज हो गया, उसके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये जो है आपके पास वो है रिफ्लेक्टेड वेव। अब अगर यहाँ पर बात करें कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्रेस्ट जो है वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा क्रेस्ट के अंदर ही। अगर ट्रफ बन रहा है तो वो ट्रफ जो है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, ट्रफ के अंदर ही चेंज होगा और किसी के अंदर चेंज नहीं होगा। यानी इसके अंदर क्रेस्ट ट्रफ में और ट्रफ क्रेस्ट के अंदर चेंज हो रहा था, वाइस वर्सा है, ये अपोजिट भी करेक्ट होगा कि क्रेस्ट ट्रफ के अंदर चेंज हो रहा है तो ट्रफ भी किस में चेंज हो जाएगा, क्रेस्ट में चेंज हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्रेस्ट क्रेस्ट में चेंज होगा तो ट्रफ ट्रफ के अंदर चेंज होगा। अगर यहाँ पर हम बात करें फेज की तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा, फेज डिफरेंस की जो अपने पास वैल्यू मिलेगी वो फेज डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी जीरो, क्योंकि कोई रिएक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा और रिएक्शन फोर्स की वजह से स्ट्रिंग पर कोई फोर्स ऐसा नहीं लग रहा जो इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए प्रेशर डाले। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, जीरो। और अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो हम बोलेंगे कि जो टाइम डिफरेंस है तो टाइम डिफरेंस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, जीरो, और टाइम डिफरेंस की भी वैल्यू जीरो, और पाथ डिफरेंस जो है इसके अंदर वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। यानी फ्री एंड से जब कोई स्ट्रिंग वेव बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि बाउंड्री कंडीशंस क्या, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए अप्लाई होता है। तो ट्रांसवर्स वेव मेनली जो है हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही हैं फ्री एंड के अंदर, उसमें फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस
कुछ भी नहीं होता, यानी इक्वल टू जीरो होता है रिफ्लेक्टेड वेव के अंदर। हम ये जो कंपेरिजन हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंसिडेंस वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के अंदर, कि इंसिडेंस वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में क्या क्या डिफरेंस हो जाएगा। अब जो ये हम मैंने भी पहले भी बताया कि ये जो है वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव सफर नो चेंज इन फेज फ्रॉम रिजिड एंड, यानी अगर हम इसके अंदर ही लिख सकते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि ये तो कंप्लीट बात हो गई वेव की, यानी वेव के अंदर ही हम पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन कौन सा हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव। लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव जो होती हैं आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव जो होती हैं वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम रिजिड एंड, क्योंकि यहां पर रिजिड एंड के थ्रू ही चेंज हो रहा है फेज के अंदर, तो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड, तो उसके फेज के अंदर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन फेज। फेज के अंदर कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कंप्रेशन पल्स जो है वो कंप्रेशन पल्स की तरह ही रिफ्लेक्ट होंगी, और जो यहाँ पर रेयरफेक्शन पल्स है वो रेयरफेक्शन पल्स की तरह ही रिफ्लेक्ट होंगी। अगर हम बात करें फ्री एंड की, तो जब फ्री एंड से लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है, जब फ्री एंड से लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव का लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है, और ये जो रिफ्लेक्शन है वो हम कहाँ से देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड, तब मैं बोलूँगा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई और 180, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई और 180। अब देख लो एक्सेप्शन क्यों हुआ यहाँ पर, एक्सेप्शन जो है वो हुआ ट्रांसवर्स वेव के लिए, जो चीज होती है रिजिड एंड के लिए वही होती है लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव के लिए फ्री एंड के लिए, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स वेव के लिए फ्री एंड की कंडीशन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए होती है रिजिड एंड की कंडीशन। तो एक्सेप्शन आपको जरूर ध्यान में रखना है, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड, नो चेंज इन फेज, यानी जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कंप्रेशन के अंदर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि फेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस हो रहा, कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और जो रेयर फैक्शन है वो रेयर फैक्शन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या रहेगा, वो रेयर फैक्शन ही रहेगा। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड, तो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया पाई का, फेज डिफरेंस पाई का, टाइम डिफरेंस टी बाई टू का, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू का। तो मैं साथ में यहाँ पर लिख सकता हूँ टाइम डिफरेंस टी बाई टू और पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू।
अब फेज डिफरेंस पाई का प्रोड्यूस हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होने के बाद में किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा रेयरफेक्शन के अंदर, ठीक है। और जो रेयरफेक्शन है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में किस में चेंज हो जाएगा, कंप्रेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव के लिए अलग होती हैं, लॉन्गिट्यूडन वेव्स के लिए अलग होती हैं। जो कंडीशंस रिजिड एंड के लिए ट्रांसवर्स वेव के लिए होती हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव के अंदर, ठीक है। जैसे रिजिड एंड से जब हुआ तो वाइड फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, जबकि लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव के अंदर कोई भी फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। ऐसे ही अगर फ्री एंड की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर कोई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव हैं इनके अंदर कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, पाई और 180। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपने पास कंडीशंस है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि जब आपको कोई भी दो स्ट्रिंग दे दी और उन दो स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन दे दिया, तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर वेव की इक्वेशन क्या होगी और वेव जो है वो किस तरीके से मोशन करती है। तो थर्ड जो है उसके अंदर हम रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें वो किस तरीके से मोशन करती हैं। तो थर्ड जो अपने पास है वो है वेव इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग कि अगर कोई भी दो स्ट्रिंग का तीन का आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है तो उनके अंदर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के थ्रू किस तरीके से वेव प्रोड्यूस होती है। तो इसके भी हम दो पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि इफ वेव गोज फ्रॉम मैं मीडियम लिख ही लेता हूँ रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम। और जो सेकंड है वो मैं लिख लेता हूँ इफ वेव गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेयरर और डेंसर मीडियम क्यों यूज किया है हमने, जबकि हम बात तो कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग की। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है वो भी एक तरीके से मीडियम की बाउंड्री की तरह बिहेव करता है। जैसे आपके पास कोई एक वेव है, उसके अंदर एक वेव पल्स जो है वो जनरेट हो रखा है और ये वेव पल्स जो है वो आगे की ओर मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आगे जो है वो आपके पास कोई नेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जिसकी विड्थ जो है वो प्रीवियस से ज्यादा है, ये आपके पास कोई दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये वाली जो दूसरी स्ट्रिंग है वो इसके कंपैरिजन के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो इसके कंपैरिजन में बहुत थिन है, ठीक है। तो बहुत थिन है तो ये वाला जो मीडियम है, ये वाला मीडियम जो है वो आपके पास बन गया रेयरर और ये वाला जो मीडियम है वो आपके पास बन गया डेंसर, ठीक है। अब जब इंसिडेंस वेव जो है
उसका प्रोपेगेशन हो रहा है इस डायरेक्शन के अलोंग, तो इस डायरेक्शन के अलोंग इंसिडेंस वेव का प्रोपेगेशन होता है। तो यहाँ पर ये वाली जो बाउंड्री है वो बाउंड्री बिहेव करती है रिजिड बाउंड्री की तरह या रिजिड एंड की तरह, रिजिड बाउंड्री या रिजिड एंड की तरह। और जब कोई भी वेव जो है वो रिजिड एंड पर फोर्स अप्लाई करती है तो हमें पता है कि उसके अंदर क्या होता है, हमें ये पता है कि उसके अंदर जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ट्रफ के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेस्ट जो है वो किसके अंदर चेंज हो गया, ट्रफ के अंदर। और कुछ पार्ट जो इस वेव का है, कुछ पार्ट इस वेव का जो है वो आगे की ओर ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है इस वेव का वो आगे की ओर ट्रांसमिट हो जाएगा जो ये सेकेंड वाली स्ट्रिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक तो इधर चली गई और एक जो वेव है वो इधर आ गई। जो ये वापस इधर आ गई इसको तो हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। और जो ये वेव इधर आ रही है सेकेंड मीडियम के अंदर इसको मैंने बोल दिया ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिट वेव या रिफ्रैक्टेड वेव हमने बोल दिया। अब अगर हम यहाँ पर इक्वेशन की बात करें कि इंसिडेंस वेव की इक्वेशन अगर हम अपनी तरफ से ज़ूम कर लें उसके मोशन की डायरेक्शन के अलोंग, तो मैं ये बोलूँगा ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये इधर वाली माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये प्लस वाई हो गई और नीचे डाउनवर्ड माइनस वाई हो गई। तो जो इंसिडेंस वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रही है। तो हम बोलेंगे कि जो इंसिडेंस वेव का इक्वेशन है यहाँ पर, वो मैं अपनी तरफ से ज़ूम करके लिख रहा हूँ एक बार, कि जो इंसिडेंस वेव का इक्वेशन है वो हो जाएगा वाई आई इज इक्वल टू ए आई इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहीं से मैं लिख देता हूँ एक बार, के वन एज्यूम कर लिया के वन एक्स। अगर रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें, अब हम इंसिडेंस वेव की इक्वेशन के बेसिस पर रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन और ट्रांसमिट वेव की इक्वेशन को देखेंगे। तो अगर रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो रिफ्लेक्टेड वेव के अंदर इंसिडेंस वेव की बजाय पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया और उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले वो प्लस एक्स डायरेक्शन में थी, अब वो किस में, किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो जो उसका रिफ्लेक्टेड वेव का जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो हो जाएगी वाई आर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो आगे की ओर ट्रांसफर हो गया। तो अब जो एनर्जी बची इस वेव के पास वो पहले के बजाय कम है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ए आर साइन ओमेगा टी, ये जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो बीच में आया माइनस, ये माइनस एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है तो बीच में क्या आएगा, प्लस। मीडियम वही है आपके पास, मीडियम वही है तो के चेंज नहीं होगा, क्योंकि के चेंज, मैं डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ के चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लैम्डा की वैल्यू देखते हैं, के इज इक्वल टू होता है 2π/λ। तो अगर लैम्डा चेंज होगा तो के चेंज होगा, अगर लैम्डा चेंज नहीं हो रहा तो के चेंज नहीं हो रहा। तो जब उसी मीडियम के अंदर कोई वेव वापिस आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर तो लैम्डा चेंज नहीं होता, वेवलेंथ सेम रहती है, और वेवलेंथ सेम रहने की वजह से प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी वही रहेगा k1x। लेकिन फेज डिफरेंस जरूर प्रोड्यूस हो जाता है, और फेज डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हो जाता है, पाई के इक्वल। अगर यहाँ पर हम साइन के ये वैल्यू जो है वो लिखना चाहें तो ये वैल्यू अपने पास आएगी माइनस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के वन एक्स। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं ट्रांसमिट वेव की, ट्रांसमिटेड वेव की। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए हम इक्वेशन लिखना चाहें तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं बोलूँगा वाई टी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे एम्पलीट्यूड ए टी आइए साइन ओमेगा टी
डायरेक्शन ट्रांसमिट वेव की प्लस एक्स डायरेक्शन क्या लोगे, तो माइनस। अब बात करते हैं के की, तो के जो है उसकी बात करेंगे कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखो, रेरर टू डेंसर मीडियम के अंदर जब मोशन कर रही है ये, तो मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज होने पर वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और वेवलेंथ चेंज हो गई तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और हमने यहाँ पर के वन की जगह कितना लिख दिया, K2। तो यहाँ से आपको जो है वो तीनों की, इंसिडेंस वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव, तीनों की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं, कि डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन जो है वो हमारे पास है, ये आ गई। अगर अब हम बात करें, इफ वो वेव गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी इसका अपोजिट मैं बोल लेता हूँ, कि पहले आपके पास कोई एक वेव है और उस वेव के अंदर एक वेव पल्स है, और वो वेव प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रही है। ये जो है आपके पास इंसिडेंस वेव है, और ये इंसिडेंस वेव प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रही है। इसके साथ यहाँ पर एक कोई थिन स्ट्रिंग अटैच है, दूसरी थिन स्ट्रिंग है अटैच है। तो ये जो यहाँ पर है, ये तो बन जाएगा आपके पास डेंसर मीडियम, और ये जो है आपके पास थिन स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगा आपके पास रेयरर मीडियम। तो जब वेव पल्स जो हैं वो इस बाउंड्री पर, यहाँ पर ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री पर आती है, तो ये बिहेव करती है एज ए फ्री एंड। और ऐसे भी देख सकते हैं कि कब फ्रिजिड एंड और फ्री एंड की तरह क्यों बिहेव कर रही है, कि इसके अंदर कोई वेव पल्स है, ये थिन है स्ट्रिंग। तो जब ये इसको मूव करवाने की कोशिश करेगी अपने साथ, तो ये अपोज करेगी, क्यों, अगर ये जो है वो फेटी है तो इसका जो मास है वो भी ज्यादा होगा, तो ये आसानी से मूव नहीं करेगी। तो इस वाली वेव के लिए ये वाली जो बाउंड्री है वो रिजिड एंड की तरह बिहेव करती है, जबकि अब इसके अंदर इंसिडेंस वेव के अंदर ये फेटी जो स्ट्रिंग है वो ही मूव कर रही है, तो वो इस थिन स्ट्रिंग को आसानी से मूव करवा सकती है। तो ये वाला जो यहाँ पर बाउंड्री है या ये वाला जो एंड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, फ्री एंड की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन के बाद में किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कि रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो यहाँ पर आपके पास वेव मिल रही है, यहाँ पर ये जो आपके पास वेव मिल रही है, अगर ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होती है, तो फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होने पर इसका जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट में ही चेंज हो जाता है, यानी फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। और जो दूसरा एंड है, दूसरे मीडियम के अंदर जो वेव ट्रांसफर हुई है, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर जो वेव ट्रांसमिट हुई है, उसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर भी एक वेव पल्स जनरेट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मैं ये नहीं बोल सकता कि तीनों का सेम होगा या किन्हीं दो का सेम होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो तीनों का अलग अलग होगा, सबसे मैक्सिमम इसका होगा एम्पलीट्यूड, उसके बाद में इन दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स पर, के पर डिपेंड करती है कि कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो मैं इसको बोल लेता हूँ, ये है आपके पास वापिस जो आ रही है वो है रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, और यहाँ पर जो इधर हो रही है इसे मैं बोल सकता हूँ ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो इंसिडेंस वेव की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, तो इंसिडेंस वेव की इक्वेशन क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा वाई आई इज इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, सेम उसकी तरह ही, ठीक है, प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बीच में साइन आ गया माइनस का। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड वेव की, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये है आपके पास, इसकी इक्वेशन मैं बनाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा वाई आर इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी
रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस एक्स एक्सिस, तो प्लस में लिख लिया। क्या मीडियम चेंज हो रहा है, क्या मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो के की जगह आ जाएगा के वन ही एक्स। ये बन गई आपके पास यहाँ पर इक्वेशन। और कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या इस पर? और कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट पड़ा था क्योंकि क्रेस्ट जो है वो ट्रफ में चेंज हो गया था, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फेज डिफरेंस जो है वो जीरो प्रोड्यूस होगा, तो ओमेगा टी प्लस के वन एक्स बन गई आपके पास इक्वेशन। अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन की बात करूं, तो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगी ए टी साइन, कितनी हो जाएगी, देखो किधर मूव कर रहा है ये, प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, तो साइन ओमेगा टी माइनस। अब देखो मीडियम चेंज हो गया है यहाँ पर, इंसिडेंस वेव जो है वो इस मीडियम में थी और जो ट्रांसमिटेड वेव है वो इस मीडियम के अंदर है, तो यहाँ पर के चेंज हो जाएगा, के की जगह हमने कितना ज्यूम कर लिया के टू। तो ये जो है जब कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन के अंदर एक तरफ का पार्ट रेयर मीडियम की तरह बिहेव करता है और दूसरा जो पार्ट है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर हम साउंड वेव के प्रोपेगेशन की वेलोसिटी के बेसिस पर मीडियम को रेयर और डेंसर डिनोट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो स्ट्रिंग की जो थिन है विड्थ जो है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर मीडियम को डिनोट कर रहे हैं कि वो रेयरर है या डेंसर है। तो अपने पास तीनों जो है यहाँ पर, तीनों इंसिडेंस वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव, तीनों की इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई। अब अगर हमें रे एम्पलीट्यूड चाहिए इनके, कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, या फिर जो आपके पास इंसिडेंस वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव जो है, ट्रांसमिटेड वेव जो है, इन तीनों के एम्पलीट्यूड के अंदर क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिलेशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड लिखेंगे, तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ तीनों के, इन दोनों के ही कॉमनली हम बात कर रहे हैं, अगर हम रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो लिखना चाहें, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, इसके बेसिस पर हम अलग अलग एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। और ये जो रेशियो है वो वेलोसिटी पर या प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट के पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लिखना चाहें रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ए आर अपॉन में ए आई, स्मॉल से हमने यहाँ पर स्मॉल से डिनोट किया हुआ है, तो स्मॉल ए आर अपॉन में स्मॉल ए आई इज इक्वल टू होता है के वन माइनस के टू अपॉन में के वन प्लस के टू। या फिर इसको मैं अगर वेलोसिटी की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ वी टू माइनस वी वन अपॉन में वी टू प्लस वी वन, ठीक है। अगर हम ट्रांसमिट वेव और इंसिडेंस वेव की रेशियो की बात करें, ये दोनों जो हैं वो कॉमन हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि भाई ये इसके लिए है या फिर ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो इसके लिए, ये कॉमन है, ये वेलोसिटीज पर आपको नजर आ जाएगा जब आप ए आर अपॉन में ए आई की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, तो कि रेयरर टू डेंसर आ रहा है या डेंसर टू रेयरर आ रहा है। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड अगर हम बात करें ट्रांसमिट वेव की और इंसिडेंस वेव की, तो मैं लिखूंगा ए टी अपॉन में ए आई इज इक्वल टू मिलता है मुझे टू के वन अपॉन में के वन प्लस के टू, टू के वन अपॉन के वन प्लस के टू। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ टू वी टू अपॉन में वी वन प्लस वी टू। तो ये जो दोनों रिलेशन हैं, ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड और इंसिडेंस वेव के एम्पलीट्यूड में रिलेशन, और रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड और इंसिडेंस वेव के एम्पलीट्यूड के अंदर रिलेशन, ये आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कई बार जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इन एम्पलीट्यूड के बेसिस पर। इस चीज़ को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल जो है, सोल्ड एग्जांपल जो है वो इसका सोल्व करते हैं। जो अपने पास सोल्ड एग्जांपल है वो है
A harmonic wave is traveling on a string 1. At a junction with string 2, it is partially reflected and partially transmitted. The linear mass density of the second string is 4 times that of first string, and that the boundary between the two strings at x equal to 0. If the expression for the incidence wave is yi is equal to ai cos k1x minus omega 1t, what are the expression for the transmitted and the reflected wave in terms of ai, k1 and omega 1? यानी ये K1 जो दे रहा है वो फर्स्ट जो मीडियम है तो उस मीडियम के लिए प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है, ओमेगा 1 फर्स्ट मीडियम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है कि कोई आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1, ठीक है, और ये स्ट्रिंग 2 के साथ अटैच है। वो बोल रहा है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए सेकेंड स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स, यानी सेकेंड स्ट्रिंग जो है उसकी मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स है फर्स्ट की। तो मैं एक बार अपनी तरफ से ये अज्यूम करके चलता हूँ कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो है थिन और सेकेंड स्ट्रिंग जो है वो है फेटी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें वो क्वेश्चन के अंदर दे रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो फर्स्ट वो जो चीज़ दे रहा है वो बोल रहा है इंसिडेंस वेव के लिए जो एक्सप्रेशन है, यानी उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो दे रहा है वाई आई इज इक्वल टू ए आई कॉस के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी। ये आपको दे रहा है फर्स्ट जो इंसिडेंस वेव है उसके लिए एक्सप्रेशन। वो बोल रहा है कि ए आई के वन और ओमेगा वन की टर्म के अंदर आपको ट्रांसमिट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों के लिए ये एक्सप्रेशन, यानी जो इक्वेशंस है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वो बतानी है। तो अगर आपको रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिट वेव के लिए इक्वेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहिए, तो आपको उसका एम्पलीट्यूड चाहिए होगा, ठीक है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास रिलेशन होता है ए आई ए आर में, ए आई और ए टी के अंदर, उससे हम यहाँ पर वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें ए जो है आपके पास ए आई अपॉन में ए आर इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ए आई अपॉन में ए आर इज इक्वल टू होता है के वन प्लस के टू अपॉन में के वन माइनस के टू, यही होता है आपके पास ए आई अपॉन में ए आर। अगर हम बात करें वेलोसिटी की टर्म में तो ये बन जाता है v1 प्लस v2 अपॉन में v2 माइनस v1, यही होता है आपके पास। अब अगर आपको ar की वैल्यू जो है वो ai की टर्म में चाहिए, ठीक है, तो आपको v2 की वैल्यू कम से कम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। v1 जो है v1 की टर्म के अंदर v2 की वैल्यू को कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उससे हम लोग AI और AR के अंदर एक रिलेशन है बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें AI अपॉन AT की, तो AI अपॉन में AT क्या होता है, K1 प्लस K2 अपॉन में 2K1, या फिर अगर वेलोसिटी की टर्म में मैं लिखूं तो V1 प्लस V2 अपॉन में 2V2। तो यहाँ से भी अगर आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी तो AI और AT के अंदर हम रिलेशन बना सकते हैं। यानी हमारा जो मेनली पर्पज है वो ये है कि हम V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, और V2 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करके AT की वैल्यू और AR की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो बात कर रहा है दो स्ट्रिंग है यहाँ पर। अब स्ट्रिंग सेम है तो अगर इसके अंदर मैं वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा वेलोसिटी वी इज इक्वल टू होती है स्ट्रिंग के अंदर अंडर रूट टी अपॉन में म्यू,
म्यू जो होता है या स्मॉल एम जो होता है, यहाँ पर हम जिसे लिखते हैं, ये म्यू जो होता है वो होती है लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, या फिर वो इसको बोल रहा है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। और इसके लिए वो आपको क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन भी दे रहा है। क्या रिलेशन दे रहा है वो? वो बोल रहा है सेकंड स्ट्रिंग के अंदर जो लीनियर मास डेंसिटी है वो 4 टाइम्स है फर्स्ट स्ट्रिंग की मास डेंसिटी के, लीनियर मास डेंसिटी के। और अगर हम टेंशन की बात करें तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो एक दूसरे से अटैच है, तो दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या होगी? सेम होगी। तो अगर मैं यहाँ पर वेलोस्टीज का कंपेरिजन करूँ, तो वेलोस्टीज का जब मैं कंपेरिजन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, वेलोस्टीज का अगर हम कंपेरिजन करें तो V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर म्यू 2 अपॉन में म्यू 1, क्योंकि म्यू जो है वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और T कांस्टेंट है। तो T कांस्टेंट है तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर मैं म्यू 2 और म्यू 1 के अंदर रिलेशन दिखूँ तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू है आपके पास 4, तो ये आ गया आपके पास 2, यानी V2 जो है V2 इज इक्वल टू आएगा V1/2। ये आपके पास V2 की जो है वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसे हमने की नाम दे दिया एक बार इक्वेशन फर्स्ट। अब जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंजे नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे ट्रांसमिट हो। तो मैं बोलूँगा कि ω1 जो है वो ω2, यानी सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर जब ट्रांसमिट वेव होगी तो ω1 जो है वही ω2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम के की बात करें, जैसे वी हमने देख लिया, ओमेगा हमने देख लिया, अब के अगर और हम देख लें कि के की वैल्यू क्या होगी, तो अपने पास एक रिलेशन होता है कि के इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपोन वी, के इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपोन वी। तो जो वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो सेकेंड स्ट्रिंग के लिए, वो मैं बात करूंगा कि K2 इज इक्वल टू सेकेंड स्ट्रिंग या सेकेंड मीडियम के लिए K2 इज इक्वल टू हो जाएगा ω2 अपॉन में V2। ω2 की वैल्यू ω1 के इक्वली है, तो ω1 अपॉन में V2 की वैल्यू है V1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो आपके पास जो आ गया रिलेशन 2 ω1 अपॉन में V1। ω1 अपॉन में V1 जो है वो इक्वल टू होता है 2 K1 के, क्योंकि ω अपॉन V के इक्वल होता है, तो ω1 अपॉन में V1 इक्वल टू हो गया K1 के। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि K2 इज इक्वल टू 2 K1, और इसे हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब अपने पास सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रखी है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मुझे AR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ से मुझे AT की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं AR की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा AR इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास V2 - V1 अपॉन में V1 + V2 और मल्टीप्लाइड बाई ए आई इज इक्वल टू V2 की वैल्यू हमने V1 की टर्म के अंदर निकाल रखी है। अगर हम V2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो V2 की वैल्यू आपके पास है V1/2 - V1 अपॉन में V1 + V2 की वैल्यू है V1/2 और इंटू में AI। ये वैल्यू जब हम लिखते हैं तो वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी? देखो, ये V/2 में से V1 चला गया, तो V/2 - V1 आपके पास बच गया V1/2, माइनस का -V1/2 अपॉन में 3 V1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर 3 ही बच जाएगा केवल। तो ये आपके पास जो इसका जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी A1/3। जो AR की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास? A1/3।
इसी तरीके से अगर मैं ए टी की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो ए टी की वैल्यू जो है वो मेरे को कितनी मिलेगी, ए टू इज इक्वल टू टू वी टू अपॉन में वी वन प्लस वी टू मल्टीप्लाइड बाई ए आई इज इक्वल टू, वैल्यू मैं रखूं तो मेरे पास वैल्यू जो है वो वी टू की वैल्यू है वी वन बाई टू अपॉन में वी वन प्लस में वी टू की वैल्यू है वी वन बाई टू इंटू में ए आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये बन गया आपके पास टू से टू कैंसिल आउट हो गया वी वन अपॉन में थ्री वी वन बाई टू। तो वी वन अपॉन में थ्री वी वन बाई टू, थ्री ऊपर टू जो है वो ऊपर चला गया तो आपके पास बच गया टू बाई थ्री ए आई। ये आपके पास रिलेशन आ गई, ए आर की वैल्यू आ गई, ए टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई। अब अगर मैं ट्रांसमिट वेव के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ कि ट्रांसमिट वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो कितनी होगी, तो ट्रांसमिट वेव के लिए मैं इक्वेशन लिखूँगा वाई टी इज इक्वल टू ए टी और जो आपके पास है यहाँ पर कॉस टू के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी। यहाँ पर क्या आता है के एक्स माइनस, क्यों कहा मैंने यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसमिट वेव होगी तो वो उसी मीडियम के अंदर वापस आएगी जिस मीडियम के अंदर वो सॉरी ट्रांसमिट वेव है, तो ट्रांसमिट वेव जो है वो सेकंड स्ट्रिंग के अंदर जाएगी, इस तरीके से सेकंड स्ट्रिंग के अंदर जाएगी तो उसके जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो है प्लस एक्स है, तो बीच के अंदर साइन कैसा आ गया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो के आता है, अब के टू लिखूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन के टू की वैल्यू जो है वो अपने अकॉर्डिंग किसके इक्वल है टू के वन के, तो हमने यहाँ पर लिख दी टू के वन। तो ये अपने पास ट्रांसमिट वेव की इक्वेशन है बन गई। यहाँ पर ए टी की वैल्यू को और पुट कर देते हैं तो वाई टी इज इक्वल टू ए टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी टू बाई थ्री ए आई कॉस टू के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी। ये अपने पास ट्रांसमिट वेव के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई है। अगर हम रिफ्लेक्टेड वेव के लिए यही इक्वेशन लिखें तो मैं लिखूंगा वाई आर इज इक्वल टू ए आर कोस के, चेंज नहीं होगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर वेव जो है वो आएगी इधर। ठीक है, इस तरफ से वेव आएगी, ये जो है वो रिजिड एंड की तरह बिहेव करेगा तो इस तरीके से आएंगी वेव नीचे की ओर से, इस नीचे की ओर से वेव आएंगी तो पाई फेज डिफरेंस भी प्रोड्यूस होगा और पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है माइनस एक्सिस, तो ये बन गया आपके पास के वन एक्स प्लस ओमेगा वन टी प्लस में पाई फेज डिफरेंस। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई वाई आर की। अब यहाँ पर अगर हम ए आर की वैल्यू और पुट कर दें तो ए आर की वैल्यू थी अपने पास ए आई बाई थ्री कॉस के वन एक्स प्लस ओमेगा वन टी प्लस पाई। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है, मिल गई। चलिए नेक्स्ट जो छोटा सा अपने पास एक टॉपिक है, और छोटा सा है लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम बहुत बार ट्राई करते हैं, इको। नाम सुनते ही पता चल रहा होगा कि इको जो है वो क्या होता है। जैसे भी कोई भी दो पहाड़ियां हैं और उन दोनों पहाड़ियों में से एक पहाड़ी के निचली तरफ या ऊपर की तरफ खड़े होकर अगर हम एक साइड से आवाज़ लगाते हैं तो कई बार हमें अपनी ही आवाज़ वापस सुनाई देती है, ऐसे लग रहा है जैसे दूसरी पहाड़ी से कोई हमें आवाज़ लगा रहा है। तो ये जो फिनोमिना है ये फिनोमिना बोला जाता है इको। इसके अंदर क्या होता है कि स्पीकर की जो खुद की वॉइस है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से उसे ऐसा लगता है जैसे दूसरी तरफ से भी कोई उसे आवाज़ लगा रहा है। तो अगर हम इको की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ एन इको इज सिंपली द
रिपीटिशन ऑफ स्पीकर्स ऑन वॉइस कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन एट ए डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस सरफेस एट ए डिस्टेंस सरफेस यानी मैं बोल सकता हूँ क्लिफ के ऊपर या रो बिल्डिंग है या कोई और एक्सटेंडेड सरफेस है इसके ऊपर जब रिफ्लेक्शन की वजह से स्पीकर की ओन वॉइस का रिपीटिशन होता है, स्पीकर की खुद की वॉइस का रिपीटिशन होता है तो उसे ही हम बोलते हैं इको। अब कैसे, तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक साउंड सोर्स है, ठीक है। यहाँ से साउंड सोर्स जो है वो आ रहा है और यहाँ पर एक साउंड रिफ्लेक्टर है, यानी क्लिफ और ए बिल्डिंग और एनी अदर एक्सटेंडेड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द साउंड वेव। तो यहाँ पर एक सरफेस है, एक्सटेंडेड सरफेस, तो यहाँ से जो वॉइस है वो यहाँ से साउंड सोर्स जो है वो साउंड वेव का प्रोपेगेशन करता है और यहाँ पर आपके पास कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई एक ऑब्जर्वर है। जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है तो साउंड वेव का प्रोपेगेशन इस तरीके से हो रहा है, इस डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, इस डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है साउंड वेव का प्रोपेगेशन। और वो जब इस सरफेस के साथ कोलिजन करती है तो कोलिजन करने पर रिफ्लेक्शन होता है साउंड वेव का और वो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो वापस कहाँ तक आती है, ऑब्जर्वर तक या डिटेक्टर तक आती है। ये जो है आपके पास, इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके पास कोई साउंड सोर्स है और ये जो है आपके पास वो है डिटेक्टर, यानी कोई ऑब्जर्वर है। तो जब सोर्स से साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है तो वो एक सरफेस की तरफ जा रही है और वो सरफेस जो है वो उसी साउंड वेव का प्रोपेगेशन जो है उसी साउंड वेव का प्रोपेगेशन रिफ्लेक्ट करके अपोजिट डायरेक्शन में कर देता है और उसे अपनी ही सोर्स की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस मैं अपनी तरफ से डी एज्यूम करूँ, जो ये सरफेस है और जो डिटेक्टर या सोर्स है उनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं डी एज्यूम करता हूँ, तो डी एज्यूम करने पर मैं बोलूँगा कि टाइम इंटरवल कितना होगा जब ओरिजिनल सोर्स और उसका इको जो है वो सुनाई देगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ कि टाइम इंटरवल जो है वो टाइम इंटरवल कितना होगा, तो मैं कहूँगा पहले तो साउंड वेव जो है वो डी डिस्टेंस तक यहाँ तक जा रही है, ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया टाइम उसे लगा टी वन। उसके बाद में यही साउंड वेव यहाँ पर बाउंड्री से डिटेक्टर तक आ रही है तो उसे टाइम लगा टी टू, तो मैं लिखूँगा टोटल टाइम इंटरवल जो है वो होगा टी वन प्लस में टी टू। T1 की वैल्यू देखूं तो टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी प्लस में डिस्टेंस, तो वही है, वेलोसिटी भी वही होगी क्योंकि मीडियम सेम ही है, तो T इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2D अपॉन V, यानी इतने टाइम इंटरवल के बाद में उसे सोर्स के सोर्स जो साउंड वेव प्रोपिगेट कर रहा है वही साउंड वेव उसे इतने टाइम के बाद में सुनाई देगी। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन ईयर के लिए जो प्रसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की वैल्यू होती है, ह्यूमन ईयर के लिए जो प्रसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की वैल्यू होती है वो होती है 0.1 सेकेंड, यानी कोई भी दो साउंड्स हैं या साउंड के नोट हैं उन दोनों के बीच में अगर टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड है तभी ह्यूमन ईयर जो है वो उसे कैच कर सकते हैं। तो अगर हम
बात करें कि जो टाइम की वैल्यू है, टी की वैल्यू, वो 0.1 सेकेंड से ग्रेटर है, 0.1 सेकेंड से ग्रेटर है, तभी ह्यूमन ईयर जो है वो इको को सुन सकते हैं, क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो होती है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो होती है ह्यूमन ईयर के लिए वो होती है 0.1 सेकेंड। यानी दो कोई भी नोट है उनके बीच में कम से कम इतना इंटरवेल तो होना ही चाहिए, तभी हम उसे सुन सकते हैं। तो टाइम की जो वैल्यू है इको सुनने के लिए वो 0.1 सेकेंड से ग्रेटर होनी चाहिए। 0.1 सेकेंड से ग्रेटर होनी चाहिए तो टाइम की वैल्यू है आपके पास 2d/v, यानी 2d/v की वैल्यू जो है वो 0.1 सेकेंड से ग्रेटर होनी चाहिए। इसका मीनिंग हो गया d की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए v/20 से ग्रेटर। d की जो वैल्यू है वो v/20 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। अगर v जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू जो है वो होती है, अगर हम अप्रोक्स वैल्यू लें तो 332, या कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम उसे ले लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड। तो जो डी की वैल्यू हमें मिलेगी वो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 17 मीटर मिलेगी। यानी इको सुनने के लिए, इको सुनने के लिए सोर्स और जो सरफेस है उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर उससे कम डिस्टेंस है तो इको सुनाई नहीं देगा। चलिए इसके एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से इसे समझते हैं हम लोग। एग्जांपल है अपने पास, क्या बोल रहा है, द इको ऑफ ए गन शॉट इज हर्ड 8 सेकेंड आफ्टर द गन इज फायर्ड, हाउ फार फ्रॉम हीज is the surface that reflects the sound, velocity of sound in air is 350 meter per second। तो जो जो चीजें आपको बोल रहा है वो लिख लीजिए। वो बोल रहा है कि गन शूट का जो इको है, यानी यहां से अगर कोई गन जो है वो फायर कर रहा है, तो यहां से गन फायर करने पर जो इस गन की इको सुनाई देती है वो इको सुनाई देती है 8 सेकेंड बाद में। हम अज्यूम करते हैं कि यहीं पर जो है वो ऑब्जर्वर है, यहीं पर ऑब्जर्वर है, तो वो बोल रहा है कि इसका जो इको सुनाई देता है वो इको सुनाई देता है 8 सेकेंड बाद में, यानी जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 8 सेकेंड है। हाउ फार फ्रॉम हिम इज द सरफेस, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको डी पूछ रहा है, हाउ फार फ्रॉम हिम इज द सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना सा सिंपल है, यहाँ से जब गन शॉट फायर होगा तो यहाँ से गन शॉट फायर होने पर साउंड वेव का प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ से साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ तक आएंगे, ऑब्जर्वर तक। तो कितनी टोटल डिस्टेंस इसने कवर की, डी डिस्टेंस ये गई, डी डिस्टेंस ही वापस आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, 2d। तो t इज इक्वल टू होता है आपके पास 2d अपॉन में v। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो d इज इक्वल टू आ जाएगा t into v/2। तो t की वैल्यू आपको बोल रहा है 8 सेकेंड, v की वैल्यू जो आपको बोल रहा है वो v की वैल्यू है आपके पास 350 मीटर पर सेकेंड बाई 2। तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया 4 times, तो जो डिस्टेंस आ गई अपने पास, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1400 मीटर, और यही आपका आंसर हो गया। तो इको के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, और बस हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन को समझते हुए सोल्व करना है।